नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ 28 या 30 अक्टूबर को घर लाएं इन 11 में से कोई एक चीज़। धनतेरस व दिवाली के अक्टूबर की 28 व 30 तारीख बहुत ही खास है, क्योंकि 28 को धनतेरस व 30 को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। ये दोनों ही पर्व धन से संबंधित है, इसीलिए इन दोनों में से किसी भी दिन किया गया धन से संबंधित उपाय बहुत ही जल्दी फल देता है। यही है कारण है इन दोनों दिनों में विभिन्न उपायों के माध्यम से धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। धनतेरस से दीपावली पर पूजा के बाद चांदी से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को घर के पूजा स्थान पर रखें। रोज इनकी पूजा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। यंत्र शास्त्र में श्री यंत्र की विशेष महिमा बताई गई है। इस यंत्र को धन वृद्धि, कर्ज से संबंधित धन पाने व लॉटरी द्वारा धन पाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धनतेरस या दीपावली पर इसकी स्थापना घर के पूजा कक्ष में करें। ये नारियल थोड़ा छोटा होता है, ज्योतिष शास्त्र में इसका खास महत्व है। धनतेरस या दीपावली पर इसकी पूजा कर लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखें जहाँ किसी की नज़र इस पर ना पड़े। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कमलगट्टा। कमलगट्टा कमल से निकलने वाला एक प्रकार का बीज है। चूँकि माँ लक्ष्मी कमल पर ही विराजमान होती है, इसीलिए इस बीज को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। धनतेरस या दीपावली पर इसे घर के पूजन स्थान पर रखें। कुबेर प्रतिमा। भगवान कुबेर यक्ष व गंधर्वों के स्वामी हैं, यही समस्त संसार के धन की रक्षा करते हैं। धनतेरस या दीपावली पर इनकी प्रतिमा घर की उत्तर दिशा में रखें। जहाँ इनकी प्रतिमा रखें वहाँ की साफ सफाई रोज करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएँ। धनतेरस या दीपावली पर माँ लक्ष्मी की चांदी से निर्मित चरण पादुकाएँ धन स्थान पर इस प्रकार रखें कि इसकी दिशा धन स्थान की ओर जाती हुई रहे। इसका अर्थ है लक्ष्मी सदैव आपके धन स्थान पर ही निवास करें। कौड़ी। लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और कौड़ियाँ इस समुद्र से निकलती हैं, इसीलिए इसमें धन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। धनतेरस दीपावली के दिन इसे धन स्थान पर रखना शुभ होता है। भारत लक्ष्मी प्रतिमा। घर में परत से निर्मित लक्ष्मी प्रतिमा रखने से बहुत लाभ होता है। धनतेरस या दीपावली पर इस प्रतिमा की स्थापना घर के पूजन स्थान पर रखें और रोज इसकी पूजा करें। इस प्रतिमा की पूजा से घर को बुरी नज़र नहीं लगती। मोती शंख। यह शंख बहुत ही चमत्कारी होता है, यह दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। इसे घर में रखने से धन संपत्ति बढ़ने लगती है और परिवार वालों के बीच सामंजस्य बना रहता है। धनतेरस या दीपावली के दिन इसे अपनी तिजोरी में रखें। एकांक्षी नारियल। यह नारियल का एक प्रकार है, इसके ऊपर आँख के समान एक चिन्ह होता है, इसीलिए इसे एकांक्षी एक आँख वाला नारियल कहा जाता है। धनतेरस या दीपावली पर इसे धन स्थान या पूजा स्थान कहीं पर भी रख सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख। धनतेरस या दीपावली पर इसे घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करने से सही प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।